गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, ऋषिकेश राइडर में आपका स्वागत है। मैं आपका दोस्त संजय, अपने साथ साथ में आपको भी बाबा केदारनाथ के दर्शन कराऊंगा। बहुत पवित्र स्थान है ये, बहुत ही पवित्र से भी पवित्र स्थान कह सकते हो आप इसे। ये देखिए आप, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, ऋषिकेश राइडर में आपका स्वागत है। मैं आपका दोस्त संजू, आज मैं अपनी इस बाइक से, जो कि रॉयल इनफील्ड क्लासिक है, अक्सर मैं अपनी यात्रा दूर दूर की इसी बाइक से करता हूं, बाबा केदारनाथ धाम जा रहा हूं और अपने साथ साथ मैं आपको भी बाबा केदारनाथ के दर्शन कराऊंगा। तो ऋषि, मैं अपना सफ़र ये त्रिवेणी घाट है, त्रिवेणी घाट से शुरू कर रहा हूँ बाबा केदारनाथ धाम के लिए। बाबा केदारनाथ की दूरी यहाँ से है 233 किलोमीटर, लेकिन हमारी बाइक सोनप्रयाग तक जाएगी, क्योंकि सोनप्रयाग से आगे अलाउ नहीं है जाना। सोनप्रयाग की दूरी ऋषिकेश है 210 किलोमीटर। 210 किलोमीटर तक हम अपनी बाइक से जाएंगे, बाइक वहाँ खड़ी करेंगे, रात्रि विश्राम सोनप्रयाग होगा। कल सुबह स्थानीय जो जीप होती हैं वो हमें गौरीकुंड छोड़ेगी, तो सोनप्रयाग से गौरीकुंड हम उनकी जीप से जाएंगे, जो 5 किलोमीटर है। उसके बाद करीब 17-18 किलोमीटर हम ट्रैक करके बाबा केदारनाथ टेंपल जाएंगे। तो मेरी गाड़ी इस समय तैयार है, पिट्ठू बैग रख लिए हैं दो, टैंक फुल करा लिया है कल ही, त्रिवेणी घाट सामने है। मैं जो मेरे साथ सफ़र में है वो ये मेरा बेटा कार्तिक है, ये भी साथ जाएगा। थोड़ी थोड़ी दूर गाड़ी दोनों मिलके चलाएंगे, तो चलते हैं बाबा केदारनाथ। जय बाबा केदार। तो मित्रों, शुरू करते हैं बाबा केदारनाथ यात्रा, माँ गंगा का आशीर्वाद लेके त्रिवेणी घाट से। जय भोलेनाथ। ये त्रिवेणी घाट है। इस समय सुबह के 8 बज गए हैं। 210 किलोमीटर यात्रा, पहाड़ का सफ़र है, तो 7 से 8 घंटे लगने चाहिए, खाते पीते अगर जाएंगे रुकते रुकाते। ये ऋषिकेश का मेन चौराहा है, इसको घाट रोड चौराहा बोलते हैं। आगे सीधे रेलवे रोड गई और ये सामने बद्रीनाथ रोड पे आ गए हैं हम, जो लक्ष्मण झूला वगैरह होती है। थोड़ा ट्रैफिक रहता है यहाँ पर, लक्ष्मण झूला तक थोड़ा ट्रैफिक मिलेगा। तो दोस्तों, आगे आपसे मिलते हैं फिर। अब हम 82 पहुंच रहे हैं, ऋषिकेश से करीब 30-32 किलोमीटर दूर है ये। यहाँ के परांठे बड़े फेमस है। अब हम ऋषिकेश से करीब
30 किलोमीटर आ गए हैं। इस जगह का नाम है बयासी। यहाँ के परांठे और सूखे आलू की सब्ज़ी बहुत फेमस है। मैं कॉलेज टाइम में जब भी आता था यहाँ पर तो यहाँ गेम्स खेलने जाते थे श्रीनगर यूनिवर्सिटी में आगे, तो बस यहाँ रुकती थी, बसों से जाते थे। करीब 90-91 की बात है, सन 1990-91 की, तो बस अक्सर आते हुए और जाते हुए रुकती थी। कई गाड़ियाँ रुकती है तो यहाँ परांठे वगैरह नाश्ता वगैरह खाते थे, क्योंकि हम नाश्ता करके नहीं चले हैं अभी। तो ये गढ़वाली भोजनालय है एक, यहाँ पर हम अभी नाश्ता करते हैं। करीब 9 बज गए हैं, 1 घंटा चले हुए हो गया है हमको, तो चलो नाश्ता करते हैं फिर आपको ज्वाइन करते हैं। नाश्ता आ गया है, ये देखिए आलू का परांठा, छोले, आलू की सब्जी, दही, अचार। तो अब हम नाश्ता करते हैं फिर आगे आपको ज्वाइन करते हैं। ये अब हम तोता घाटी से गुजरते हुए इंजीनियर्स के लिए, ये बहुत, ये जो पैच है तोता घाटी का, बहुत ही टफ टास्क रहा है हमेशा। बहुत दिक्कत आती है, बहुत लैंडस्लाइड वगैरह काफ़ी होती है यहाँ पर। अभी पीछे कई महीनों के लिए रास्ता जाम था यहाँ पर, तो जिसको श्रीनगर या आगे जाना होता था वो घूम के वाया नरेंद्र नगर होके जाते थे, तो ये रोड बंद रहती थी। इस जगह का नाम है तीन धारा। छोटे छोटे रेस्टोरेंट्स हैं, चाय की दुकान है यहाँ, ये साइड में खीरे वगैरह मिलते हैं। काफ़ी गाड़ियाँ यहाँ कुछ स्नैक्स खाने के लिए, लंच ब्रेकफास्ट के लिए रुकती हैं यहाँ पर। अब देव प्रयाग आने वाला है, मेरे सामने आप पहाड़ी जो देख रहे हो ये देव प्रयाग है, ये सामने करीब 2 किलोमीटर है यहाँ से। अभी आपको ऊपर से ही मैं संगम दिखाऊंगा, माँ भागीरथी और माँ अलकनंदा का। तो यहाँ पे दो नदियाँ जो मिलती है वो देवप्रयाग, हम देवप्रयाग आ गए हैं। संगम मैं ऊपर से दिखा रहा हूँ, कभी वैसे तो मैं नीचे भी गया हूँ, संगम तक जल छुआ है मैंने, लेकिन अभी हम केदारनाथ जा रहे हैं तो मैं नीचे नहीं जा रहा हूँ, मैं ऊपर से ही आपको दिखाता हूँ। मैं ये मैंने गाड़ी साइड में पार्क कर दी है अपनी और मैं उतर गया हूँ। अभी ये मैं क्लोज से संगम दिखाता हूँ आपको, ये देखिए दोस्तों, ये सामने देवप्रयाग शहर है, ये मेरे सामने आप देख रहे हैं, ये देवप्रयाग संगम कहते हैं इसको। और सामने से जो आ रही है मेरे बिल्कुल सामने से, ये बद्रीनाथ से आ रही है माँ अलकनंदा,
जो मेरे लेफ्ट साइड में है ये देख रहे हैं आप, थोड़ा रंग इसका ज़्यादा डार्क है हरे में, ये गंगोत्री से आ रही हैं, ये भागीरथी नदी है। आप नीचे देख रहे होंगे लोग स्नान गंगा जल में स्नान कर रहे हैं संगम पर, तो यहीं से गंगा जी का असली नाम गंगा जी पड़ा है। एक्चुअल में गंगा जी यहीं से बनी है, जो आगे ऋषिकेश फिर आगे बनारस होते हुए थे बंगाल की खाड़ी में जो जा रही हैं माँ गंगा। और ये सामने देवप्रयाग शहर, मेरे बिल्कुल सामने ये दशरथ मंदिर है, ये ऊपर जा रही है श्रीनगर देवप्रयाग की तरफ सड़क जा रही है, देखो कितना सुंदर नज़ारा है ये। और बन रहा है काफ़ी रिजॉर्ट वगैरह अब देवप्रयाग में बन रहे हैं, हमने अपनी बाइक भी अपनी साइड पे भी लगाई है, थोड़ा देर हम अनुभूति लेना चाहते हैं माँ गंगा की, 15-20 मिनट यहाँ पे हम आराम करेंगे, उसके बाद हम यहाँ से चलेंगे श्रीनगर फिर रुद्रप्रयाग होते हुए अगस्त मुनि होते हुए गुप्तकाशी होते हुए सोनप्रयाग की तरफ। तो थोड़ी बहुत अनुभूति ले लें मेरे साथ साथ, आप भी देखिए ये संगम देवप्रयाग संगम, बहुत पवित्र स्थान है ये, बहुत ही पवित्र से भी पवित्र स्थान कह सकते हो आप इसे, ये देखिए आप।